is brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये लल्लन टॉप का पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने से शऊर सीखने और सिखाने वाला कार्यक्रम है, जिसका नाम है किताब वाला। किताब वाला में आज की किताब कैसा कुत्ता है, लिखा है राहगीर ने, पब्लिश किया है हिंद युग्म ने। कविताओं की किताब है, कीमत फकत 199 रुपये मात्र है। एंड आई एम श्योर कि आप ई कॉमर्स की साइट पे खरीदेंगे तो और भी सस्ती पड़ेगी। वैसे भी किताबों को लेके बहुत ज़्यादा सस्ते और महंगे के मोह में नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि विनिमय के लिए अमुक धातुएं इस्तेमाल होंगी और फिर क्रमशः हम अपने यकीन को उन पर आरोपित करते रहे और उन्हें महंगा करते रहे। कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि जमीन के इस रकबे का दाम इतना होगा और हम उस पर ब्याज चढ़ाते रहे, रकम अदा करते रहे। लेकिन एक चीज़ है जिस पर हमें कभी खर्च का लोभ नहीं पालना चाहिए कि कुछ कटौती की जाए, और वो चीज़ है किताबें। और किताबें कैसी, जो पुस्तक के जरिए हमारे भीतर तक आए। तभी तो विद्वान कह गए पुस्तकस्था तो या विद्या, मतलब किताब की विद्या नहीं जब आपके पास आ जाए वो वाली विद्या। तो इसीलिए हम ये किताब वाला कार्यक्रम करते हैं। दिलालन टॉप की किताब वाला की हुई है कुकू FM के साथ साझेदारी। यहाँ आप सुन सकते हैं बहुत सी ऑडियो बुक्स। ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर, प्रोमो कोड LT50 का कीजिए इस्तेमाल और पाइए कुकू FM के प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर छूट। ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम सच्ची मुच्ची कर आगे नहीं है, आपका भाई साहब कैमरा ये वाला है। अभी सरकार बहुत खर्चा की है। अच्छा, हमारी सरकार है ना, तो तीन कैमरे वाला एकदम झामा हो गया है। तो ये बहुत ही चौचक आदमी है, खूब घूमते हैं। और हमने और तुमने अपनी हसरतों के बोर्ड पे जो तमाम चीज़ें पिन कर रखी हैं ना, कि ब्रो वांडरर लस्ट, टहलेंगे अजनबियों से मिलेंगे, बंजारों सा जीवन जिएंगे, सफ़र में बहुत कुछ हासिल होगा, बहुत कुछ वहीं पर छोड़कर भी आएंगे, हम तुम सोचते हैं ये भाई साहब कर रहे हैं। बीटेक वाला हैं, नौकरी तज दी, घूमते हैं, कविताएं लिखते हैं, लोगों से मिलते हैं और गाने गाते हैं। राहगीर के नाम से इनका बड़ा मशहूर YouTube चैनल भी है और इनके कई गाने बड़े इंकलाबी तबीयत वाले भी हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा इंकलाब मुट्ठी भींच कर और क्रांति का शब्द इस्तेमाल करके ही किया जाए। अगर आप छोटी छोटी मान्यताओं पर भी ज़ोर से लात मार रहे हैं तब भी आप इंकलाब कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब वाला। थैंक यू सर जी, कैसे हैं आप? एकदम चकमका। यार हमको एक चीज बताओ, देखो आदमी जो होता है वो अपनी कुंठाओं और कल्पनाओं के बीच ऑसिलेट करता है, दोलन करता है ना जी। तो कुंठाओं से उसके भीतर प्रवृत्तियां बिल्ड होती हैं, अच्छा ये नहीं मिला तो ये हासिल करें, वो करें, ऐसी तमाम महत्वाकांक्षाएं, वो आयन रैंड वाली जो पूरी थ्योरी है, और कल्पनाओं के सहारे फिर वो विचरता है। हमको वो लड़के लड़कियां बड़ा फैसिनेट करते हैं जो गिटार बजा लेते हैं और इसकी वजह म्यूजिक कतई नहीं है। अच्छा, हाँ वो हिंदी माध्यम के बालकों ने अपने दिमाग में ऐसे फितूर बजा रखा था कि गिटार बजाने वाले होते हैं कतई कूल। ये बात तो सही कही आपने, है मैं भी कूल फील कर रहा हूँ इधर रख के। अच्छा, तो कब सीखा तुमने ये रमतुला बजाना? ये 2016 में मैंने नौकरी छोड़ी, इंजीनियरिंग करके जो नौकरी हासिल की, तो वही कुछ कविताएं, कुछ हम भी बातें जैसे आप कह रहे हैं कि कम इंकलाबी और लात मारने वाली, तो लिखा करते थे थोड़ी बहुत। फिर हमारा कहीं ना कहीं पाला पड़ा कंट्री म्यूजिक से, तो हम एकदम से अंग्रेजी में पहुंच गए बॉब डिलन वगैरह के जमाने में। फिर लगा यार कि ये तो घूम घूम के गाने गा रहे हैं बढ़िया, और ये करना है अपने को। और हम क्या कर रहे थे तब? हम तब कोडिंग कर रहे थे, बैठ के कोडिंग कर रहे थे। उसमें भी मैं तो अच्छा नहीं था पर कर तो रहा था मैं जैसे तैसे। तो फिर पुणे में थे, हाँ फिर खरीदा गिटार, फिर नौकरी छोड़ दी, उसी हफ्ते जाके डाल दिया इस्तीफा कि सीखेंगे ढंग से। फिर एक दोस्त से सीखा 2-3 महीने, बस फिर तब से। और गाने गाते थे उसके पहले? नहीं नहीं, गाना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब आज भी अपने आप को गायक तो नहीं मानता मैं, सही बताऊँ। क्या मानते हैं? घुमक्कड़? घुमक्कड़ भी हैं थोड़े से, थोड़े से लेखक हैं, थोड़े से लेखक, हाँ। बाकी गाने तो क्या गा लेते हैं जो पहले। सबसे पहला गीत जो आपने लिखा और इसको म्यूजिक पर लेके आए? मेरा एक गाना है जिसका नाम है बापू ने बताया था बचपन में, हाँ। उसमें ये था कि मुझे लगता है कभी कभी कि दुनिया ये अजीब है, कभी एकदम अमीर सी कभी एकदम गरीब है,
मुझे जाना है उस मुल्क में जहाँ कोई भी सरहद नहीं, जहाँ सब बंदे हैं एक से, पैसों की जद्दोजहद नहीं। मैं फिर रहा हूँ उस जगह की तलाश में, मेरे बापू ने बताया था बचपन में एक और भी दुनिया है कहीं, वो है परियों का देश, रंगीन है भेष, कोई फिक्र जहाँ है नहीं। तो ऐसे ये एक तरह से मेरा ट्रेवल एंथम भी था। अच्छा। घूमता था, लोग पूछते थे क्यों घूम रहे हैं, बहुत आइडियलिस्टिक सा है बट क्यों घूम रहे हैं, नाम ही रख लिया राहगीर। बस यही कि रास्ते लोगों से कहानियाँ उठाई, उनको अपने हिसाब से पिरोया, फिर लोगों को बांट दी वही गलियों में। हाँ, तो तुमने लिखा भी है इसकी शुरुआत में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी दुनिया के किसी दूरस्थ कोने में लोग हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने में, वहाँ जाना है मुझे, अपने वजूद की खबर देनी है, हर बंदे से मिलना है, दस्तक दर दर देनी है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है राहगीर, इस रूह को थकाने के लिए कुछ कहानियाँ मेरे अपने लिए हैं, कुछ कहानियाँ जमाने के लिए। जी, तो वही जो अपने लिए हैं वो तो हम बताते हैं, आप जैसे जब बढ़िया आदमी मिलते हैं चाय पानी पे, हाँ, जो जमाने वाली हैं वो हम थोड़ा सुना देते हैं इधर उधर गावा के। क्या सुनाएंगे बताइए। आपने जितना थोड़ा हम चाहते हैं हमारा ना, हमारे न्यूज रूम में टेम्पो हाई हो जाए है। ये सब जो नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं इनको लगता है कि हम वो पेड़ हैं जिस पर अब नई पत्तियां नहीं आती हैं। तो तुम्हारे जैसे जब नौजवान तबीयत के दोस्त आते हैं तो हम इनके सामने थोड़े हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता था कि हमारे पास कंपट है तुम्हारे पास ठेंगा तो तिली लिली धप्पू। अरे तो वो वाला तो थोड़ा तुम बजा दो तो एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, हाई टेम्पो वाला तो एक गाना है मेरे पास। जी भाई, क्या जयपुर क्या दिल्ली। हाँ, हमको बहुत पसंद है गुरु। हमने अभी नेता नगरी में जब इस किताब का जिक्र किया था जी तो उससे पढ़ा भी था। हाँ वही। हर चौमू के चौराहे पर एक बुड्ढा बैठा नंगा, आते जातों को पूछता के क्यों भाई चंगा, जो रुक जाता उसे बोलता के सुन भाई सेठा, हर जा आगरा मुँह में ले ले आगरे का पेठा, या जयपुर जाके रंग वाले पिछवाड़ा गुलाबी, मुझे लगा कि कोई पागल है या फिर शराबी, मैं वेला था जा बैठ गया उसके बाजू में, पूछा बाबा जी क्यों लाए है तुमने ये चिल्लम चिल्ली, वो बोला जाहिलों का कोई शहर नहीं क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे क्या जयपुर क्या दिल्ली, जाहिलों का कोई शहर नहीं क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली क्या पटना लुधियाना चंडीगढ़ अमृतसर बम्बई शिमला मनाली कुल्लू चंबा सीकर झुंझुनू कोटा चूरू काशी कोची गोवा रांची कलकत्ता इंदौर चेन्नई गुवाहाटी आइजोल मदुरई सिरसा सूरत और तिरुचिरपल्ली, जाहिलों का कोई शहर नहीं क्या जयपुर क्या दिल्ली, अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं क्या जयपुर क्या दिल्ली। पूरा गाना सुना। नहीं नहीं, मैं इसलिए आपको रोक दिया, मेरे भीतर का जो श्रोता है उसका लोभ ये है कि मैं पूरा सुनूं, लेकिन मेरे भीतर का जो नागरिक है वो ये चाहता है कि दर्शक अपने हिस्से की मेहनत करें। हाँ, और आपके चैनल तक जाएं और वहाँ जाकर पूरा सुने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर यार गुरु ये बताओ, ऐसे ना ऐसे बड़ा पक्कड़ तबीयत के लग रहे हैं पर कुछ कुछ जो हैं बड़े फकीराना से गाने हैं, मतलब वो एक ताऊ ऊंट खरीद के लाता है। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सवाल है आखिर में कि हम एक फूड साइकिल में सबसे ऊपर हैं और हमने तय कर लिया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कोई जानवर आके हमारी फसल खा रहा है तो हमें लगता है वो हमारी मेहनत चुरा रहा है, हम किसी पेड़ पे चढ़ के कोई फल तोड़ लेते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारा शाश्वत अधिकार है। ये तो है, है? कबूतरों उनको तोतों को भगाते हैं कि साहब हमारी बीही हमारे अमरूद खराब कर गए। सही बात। हमारे यहाँ पे जैसे लोग ये जैसे क्यारी लगाते हैं ना, कुछ भी बाड़ी लगाते हैं तो टमाटर कुछ भी हो गया। हाँ। तो गिलहरियाँ आ जाती हैं खाने तो जहर की गोलियां रख देते हैं। तो ये अब मैं गांव में पला बढ़ा हूँ हमेशा, तो ये सब बहुत पास से देखा है, तो इसलिए ज्यादातर मेरे गानों में आपको गांव कभी नीम कभी खेत कभी बरगद ये सब दिखेगा क्योंकि यही देखा है। तो मैं हूँ क्या और तू है क्या, ये तो नजर नजर की बात है। हाँ। तो आप पढ़ते भी खूब है कविताएं।
कविताएं तो मैं अभी मैंने पढ़ना थोड़ा शुरू किया है, ज्यादा मैं पढ़ता हूँ जैसे लोगों की कहानियां, जैसे ऑटोबायोग्राफी वगैरह, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मुझे मतलब ऐसे कविताएं बीच बीच में मैंने थोड़ा ये अपना विद्रोही जी और ये सब अच्छा। केदारनाथ और धूमिल, हाँ ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा जी। और बाकी तो ज्यादातर मुझे ऐसे कहानियां ज्यादा पसंद है, कोई भी किसी बंदे की जो जिसने कुछ धक्के खाए या कुछ भी ऐसा इधर उधर। तो जब तुमने ये तय किया कि अब ये नहीं करना है बीटेक वाली नौकरी, तो ये सवाल है जो हर मन्वंतर में पूछा जाता है, हर युग में पूछा जाता है, ये बुद्ध से पूछा गया, ये राम से पूछा गया, वो जो मोह है ना परिवार का, और उसी के साथ ये जो वाल्मीकि से पूछा गया, महर्षि वाल्मीकि से, कि परिवार साथ है क्या तुम्हारे, तो क्या रिएक्शन होती है? क्योंकि हम लोग, हम मध्य वर्ग के लोग तमाम जरूरी क्रांतियों को मुलतवी करते रहते हैं एक मुनासिब वक्त के लिए, और उसको स्थगित करने के लिए हमारे पास बहुत सारी औने पौने दामों में मिलती हुई वजहें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब वही देखो, मैं भी एक गांव से, एक छोटे वही मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, तो मेरे पिताजी वो है आर्मी में थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं 2-3 साल पहले। तो अब हमारे गांव में देखो, ये मैंने गिटार पहली बार कॉलेज में जाके देखा था, अब कहाँ गांव में गिटार वगैरह। तो ऑब्वियसली उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है जो ये संगीत की दुनिया, उनके हिसाब से वही है जो जगराते करते हैं, वही मतलब उनके लिए तो वही म्यूजिशियन है, और उनका जैसे जीवन होता है कि कितना मुश्किल होता है, कभी सीजन आया तो काम मिल गया, नहीं तो बैठे रहो ऐसा। तो पहले तो जब वो मुझे कहते थे कि भाई इतना, अब ऊपर से गाँव से पंजाब पढ़ने भेज दिया ना, तो पूरे गाँव में ऐसा होगा कि भाई पता नहीं क्या पढ़ रहा है वो, तो अब तो बन गया लड़का, लाखों कमाएगा, लाखों घर वालों का आपको पता ही है, कुछ लोग सोचते हैं, घर वाले कुछ और चढ़ा देते हैं। तो जब जॉब लगी तो बड़ा चारों तरफ हो हल्ला हो गया, भाई इंजीनियर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। सीकर में है आपका गांव, राजस्थान का? हाँ। तो जब जॉब छोड़ा तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, क्योंकि इवन मैं खुद भी देखूँ अगर अपने आप को 4-5 साल पहले, तो वो भी थोड़ा मैं भी नहीं समझूंगा कि मैं क्या कर रहा था, क्योंकि मुझे गाना आता नहीं, कभी सोचा भी नहीं गिटार बजाना। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होता था कि कभी कॉलेज में स्कूल में गाना वाना गाते हो? स्कूल में तो मैं गाता था, जैसे पुराने मास्टर बुला लेते थे आगे कि कुछ सुना दे ऐसे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, उस टाइप का नहीं, मैं अल्ताफ राजा गाया करता था, तुम तो ठहरे सुनाए यार, कैसे गाते थे? नहीं अब नहीं गाओगे? अरे अभी जूते पड़ जाएंगे इधर। अरे बाप रे, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे सिंगिंग नहीं, पर मेरे को याद है अंताक्षरी सिंगर थे। हाँ वही, मेरे को जैसे वो 13-13 मिनट के उनके गाने होते थे ना, 16-16 मिनट के बीच में शायरी आती थी, 12 मासा भी होता था कि जनवरी है। हाँ वही वही, तो वो मुझे पूरा याद रहता था। अच्छा, मैं इसके लिए जाना जाता था कि मुझे याद रहती चीजें फटाफट, तो इसलिए मेरे को खड़ा कर देते थे। तो इसीलिए जब जॉब छोड़ा, तो पहले तो जब घर वाले कहते थे कि भाई क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या, ऐसा वैसा, तब तो मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी है, तुम होते कौन हो, समझ रहे हो, जवान वाला माहौल, 21-22 साल का तो था मैं उस टाइम तो मैं बड़ा उसको नेगेटिवली लेता था, ऐसे थोड़ा लड़ाई वड़ाई कर लेता था। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि आदमी जो चीज उसने देखी नहीं ना, उसी का तो डर रहता है ना, जैसे यही जैसे हम भूत प्रेत भगवान है भविष्य, इनका ही डर लगता है। मैं अगर देखूंगा तो मेरे दादा को या मेरे पिताजी को, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि गिटार से कैसे प्रोग्राम होता है, कैसे क्या होता है, तो मुझे अब समझ आता है उनका डर कि एक सुरक्षित नौकरी है, महीने में तनख्वाह आ रही है, तो उतना नहीं था, बट अब 2 रुपए कमाने लगे हैं तो घर वाले भी आ जाते हैं फिर रेंटे में वापस। और बड़ा यार परिवार का बार बार जिक्र भी आता है, गाँव का बड़ा जिक्र आता है, मैं अरसे बात देख रहा हूँ, जैसे हिंदी के एक बहुत कमाल कवि हैं अष्टभुजा शुक्ल। अच्छा। हाँ, उनके लेखन में आपको खेती बार बार मिलती है। ये देखिए आपकी कविता है, जब गांव के बीच खाली पड़े घरों में कुत्ते रहना छोड़ देंगे, जब सीमेंट की सड़कों को तोड़कर नाले बहना छोड़ देंगे, जब बूढ़े आगे की नस्लों को बुरा कहना छोड़ देंगे, मैं तभी मानूंगा कि बात बस के बाहर निकल चुकी है। पर मुझे इसमें राहगीर, जो एक कविता मैंने उसकी ध्वन्यात्मकता के लिए मार्क कर रखी है, उसका साउंड, हिंदी के एक अद्भुत कवि हुए, उनको कवियों का कवि कहा गया है, शमशेर, जिनकी बात, जिनकी गूंज, जिनकी धूम अद्भुत है, वो
ध्वनि का और पॉज का बहुत सुंदर इस्तेमाल करते थे अपनी कविता में। तो जब मैं आपकी ये कविता बाय बाय करे पढ़ रहा था जी। और इनफैक्ट नागार्जुन हिंदी के एक और महाकवि, उनकी मंत्र कविता या दूसरी कविताओं में भी ध्वनि की आवृत्ति को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया गया है। और इसमें ये पंक्ति भी है, मासूमियत है इसको खबर ही क्या, दुनिया के तरीकों का असर ही क्या। तो ये क्या कैसे रहता है, पहले कविता लिख डालते हो फिर म्यूजिक करते हो, या कुछ ऐसे म्यूजिक पे चल रहा है और कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए किसी मूड में हो? हम क्या शायर ज्यादा हैं, कवि म्यूजिशियन बाद में। अच्छा, तो म्यूजिक तो उसको मैं सपोर्ट करने के लिए सिर्फ ज्यादातर यूज होता है कि अगर मैं ऐसे चौराहे पे खड़ा होकर कहूँ कि ये सुनो मेरी बात, तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ये जब बजेगी चार लोग बैठ जाएंगे तो माहौल बन जाएगा। तो ज्यादातर तो मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं कविता लिख रहा हूँ, कुछ पहले एक थॉट आएगा बेसिक, फिर जब उसको वो डेवलप होने लगता है तो दिमाग में ऐसे हो जाता है कि हाँ इसको ऐसे गाएंगे, तो फिर उसी हिसाब से वो लिखता चला जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि सिर्फ लिख के छोड़ दिया है और उसके बाद फिर उसको कभी ट्राई किया कैसे गाएं इसको, पर यही अप्रोच होता है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कोई मैंने ट्यून बनाई हो और उस पे लिखा हो कुछ ऐसे। अच्छा। कभी हुआ नहीं। ये वाला सुनाएंगे फिर आप मुझे बाय बाय करे थोड़ा सा? इसको किया है कंपोज अभी? हाँ किया तो है, बहुत ही सिंपल सा ऐसे लोरी टाइप है। गुजरती हवा हंस के साए साए करे, दूर कहीं कौवा कोई काए काए करे, वो हाथों की बंदूक बना ठाए ठाए करे, जब उड़े जाए चिड़िया तो बाय बाय करे, और बगल में खटिया पे बाप खसे खस खस खस, उसे पानी पिलाती अम्मा बोले बस बस बस, पर वो बच्चा मस्त खेले, वो बच्चा मस्त खेले, जग हाय हाय करे, इसे बाद की तबाहियों से डर ही क्या, मासूमियत है इसको खबर ही क्या, दुनिया के तरीकों का असर ही क्या, मासूमियत है इसको खबर ही क्या। क्या बात है। तो ये है, तो ये जैसे मैं कविताएं पढ़ता हूँ तो मुझे कहीं की लगता है कि यार यहाँ मीटर तो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, पर आप गाने में वो कहीं पे लंबा आलाप भर के कहीं। हाँ, वो कविता में जगह जब हम देखते हैं ना, उसमें ये ज्यादातर गाने के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं इवन जो गाने रिलीज नहीं किए उसमें डाल दिए, वो भी शुरुआत में मैंने गाने की तरह ही लिखा, फिर बाद में ऐसा हो गया कि इतना कुछ लिख रहे हैं इतना कुछ रिलीज तो नहीं कर पाएंगे, तो कुछ कुछ मैंने ऐसे उसमें कविताएं डाल दी, ऐसे कविताएं के तौर पे। कुछ गद्य भी है, वो पांच अंश आखिरी के हैं जी, कितना सुंदर है ये, जो वो कहती है मुझे बरगद सा प्यार चाहिए जी, और वो खत्म होता है ऐसा प्यार अगर कर सको तो मैं जमीन बनने को तैयार हूँ, तुम बरगद बनने को तैयार हो, या फिर ये वाली तो बहुत ही अच्छी है, ये गद्य है इनका लिखा आखिरी में। अगर तुम्हें दफ्तर से आकर जूते खोलते हुए लगता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए इतना क्यों लड़ना पड़ता है, तो किसी इतवार को बैठना दोपहर में अपने सोफे पर और कोई खिड़की ज़रा सी खोल देना, तुम्हें दुख के साथ ही मिल जाएंगे किसी और भाषा में कराते। यार एक बात बताओ, ये थोड़ा सिली सवाल है, पर होता क्या है कि हम सबकी जो बौद्धिकता है ना, वो तमाम बौद्धिकताओं का एक जटिल मिश्रण भी होती है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कॉकटेल। कि जैसे वो रॉकस्टार में खटाना भाई बोलते हैं ना कि यार तू बोल रहा है तेरा दिल टूटा, तू यार समोसे की चटनी मांग रहा है, दर्द नहीं है तेरे अंदर। सही बात। तो ये आपके गानों में बड़ी तकलीफ दिखती है, पीड़ा दिखती है, थोड़ा क्लीशे सवाल है, तो भोगी है या सोच सोच के? ये जो एक गाना है मेरा, मेरे गाँव आओगे, हाँ, उसको सुन के बड़े लोग मेरे को बोलते हैं भाई तुम्हारा बहुत तगड़ा दिल टूटा ऐसे करके। हाँ। ऐसा नहीं है, शुरू हमने भी देखो वही जुल्फे वही होंठ वहीं से शुरू किया है, और ऐसा नहीं है कि अभी जिंदगी में प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम। अरे प्रेम बड़ा जरूरी है। हाँ, बिना प्रेम के क्या बचता है लाइफ में। तो ये समझ लो कि वो सब भी लिखता हूँ और बहुत लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे ज़्यादा एक्साइट करती हैं, तो इनको मैं पहले रिलीज कर देता हूँ, तो कभी जब समय रहेगा तो करेंगे रिलीज उसको। अच्छा, ये जो आप गाना जिसका जिक्र कर रहे थे ये सुनवाएंगे क्या थोड़ा सा? गाँव वाला हो गए। हाँ बिल्कुल, वो तो मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, सबसे प्यारा गाना आपको ही लगता है? हाँ, मैं अच्छा एक बार बताओ, घर में पापा को कोई गाना सुनाया है लिखा अपना? हमारे आप मानोगे नहीं, मैंने घर पे ऐसे बैठ के कभी गाना नहीं सुनाया, कुछ सुनना ही नहीं चाहता। क्यों?
पता नहीं है, वो YouTube पे ही देख लेते हैं जब जिनको देखना होता है। कभी कभी तो ऐसे पापा इशारा करते थे, हाँ ये वाला बढ़िया था, ऐसे करके। पता नहीं ऐसे हमारे गाँव में क्या होता है ना, ऐसे फैमिलीज ना अभी भी वो इतना, कितनी ही पीढ़ियां बीत गई, पिताओं को अपने प्रेम का प्रदर्शन करने नहीं आया अपने बेटे के प्रति, कभी सर पे हाथ फेर दें, कभी पीठ पर धौल लगा लें, या कभी बहुत ही दिल करे तो गले से लगा लें। तारीफ करेंगे लेकिन उसके लिए दूसरों की ओट तलाशते हैं, सामने सख्त बने रहते हैं, क्योंकि उनके बाप ने भी उनको यही सिखाया था। है? यही 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 सही बात है। मुझे आज भी याद है, मैं जब कॉलेज में गया था पहली बार, और वहाँ पे ना मतलब गांव में, राजस्थान के गांव से निकल के सीधा पंजाब, वो लवली यूनिवर्सिटी जलंधर, हाँ एकदम, आपको पता है कितनी फैंसी सी यूनिवर्सिटी, एकदम चिकलाइट। हम जहाँ जिसने अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ी है तो हम वहाँ पहुँच गए कि अब क्या करें। तो वहाँ पे मेरा मेरे दोस्त थे, एक दो और गए थे, उनके हॉस्टल बुक हो गए थे, मेरा नहीं हुआ किसी कारण से, और पापा को जाना था छोड़ के। पता नहीं मैं ऐसे तो बड़ा सख्त बनता था, मैं उस टाइम पे थोड़ा ऐसे 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 गला रून सा गया था, हाँ वही वही। तो उस टाइम पे थोड़ा सा उन्होंने दिखाया वो मोमेंट कि अरे कुछ नहीं होता यार, तू क्या टेंशन ले रहा है, ऐसे करके फौजी आदमी है, दस जमाने देखे। हाँ तो फिर उन्होंने फिर सब सेटअप किया। तो आई थिंक ऐसे कभी कभी ऐसे रेयर मोमेंट्स आते हैं जब जब बाप लोग भी बढ़िया अच्छे से प्रदर्शन कर देते हैं अपने इमोशंस का। बट मोस्टली घर पे ऐसे वो पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे क्या बुलाते हैं घर पे आपको? हमारे जैसे, वैसे मेरा नाम सुनील है, और जैसे बिहार साइड में सुनीलवा बोलते हैं, हमारे यहाँ सुनीलिया बोलते हैं। सुनीलिया, ओ सुनीलिया के हाल है, ओ सुनीलिया के हाल है। तो जैसे वहाँ पे या लगा देते हैं, जैसे आप हैं, जैसे सौरभ हैं, तो हमारे यहाँ सौरभिया, ऐसे सौरभिया। क्या ये देखिए, आप पिता का जिक्र कर रहे हैं, मेरे सामने आपकी कविता खुली है, चलो बापू बाढ़ हटा दें खेत की। और मैं इसको मैंने मार्क किया जब पहली दो पंक्तियों को, सुनील राहगीर, तो मुझे लगा कि इसको कई ढंग से पढ़ा जा सकता है। चलो बापू बाढ़ हटा दें खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की। ये सिर्फ खेत की बात नहीं है जी, बिल्कुल जिंदगी की तमाम फिक्रों की भी बात है ये। उन्हीं के ये एक्चुअली मैंने लिखा भी उसी तरीके से था कि उसमें जैसे कह रहे हैं कि खेत में से हरियाली भी मर गई, उसकी लाशें पर बोरियाँ भी घर गई, मतलब खेत खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी आदमी दिन रात सो रहा नहीं है, उसके बाड़ लगाने में लगा हुआ है। तो वही था कि भाई अब कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा। थोड़ा अगर आप एक पद उसका एक अंश सुना सकें। ये मेरे सबसे शुरुआती कुछ गानों में से एक है। अच्छा। और पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब कहाँ गाया था, कोई ज्यादा सुनते नहीं ना ये सब गाने, कुछ गाने आपके पॉपुलर हो जाते हैं, लोग वही सुनना चाहते हैं बार बार। एक तो फूलों की लाशों से ताजगी जाता है, वो तो सबसे ज्यादा सुना जाता होगा। वो तो मैं उस गाने को मैं करता नहीं जब तक 5-6 लोग मेरे पे डंडा नहीं करते, बोर हो जा। बहुत ज्यादा बार गा लेते हैं ना वही तो फिर हमको भी कुछ नया है सुनाने को, फिर आप वो सुनाना चाहते हैं जी। तो बापू वाला गाना ऐसा है, चलो बापू बाढ़ हटा दे खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की। अब तो खेत में हरियाली भी मर गई, उसकी लाशें भर बोरियां भी घर गई। अब रखवाले क्या करने भूत प्रेत की, चलो बापू बाढ़ हटा दे खेत की, कोई क्या ही चोरी कर ले जाएगा रेत की। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट ना पाओगे, मेरी याद आएगी उस मुकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गांव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। तो यार दोस्त खूब सफर करते हो जी, हैं कहानियों की तलाश में, और इस क्रम में तुम्हारी भी अपनी एक कहानी बन रही है। बिल्कुल है ना, जब हम किसी को देख रहे होते हैं तो कोई हमें भी देख रहा होता है, निरख रहा होता है। वही धीरे धीरे अब पता लग रहा है कि हाँ बन तो रही है, पहले तो लग रहा था कि हम पता नहीं किसी बड़ी कहानी में बस टहल रहे हैं, ऐसे ही कहीं होता ना किसी बड़े किसी बंदे की कहानी पढ़ रहे होते हैं और वो बताते नहीं कि बाजू से कोई गुजरा था, हमको लगता था कि हम भी वही हैं, और अब लग रहा है कि हम भी वो आदमी हैं जिसके बाजू से कोई गुजर रहा है। कहीं ना कहीं वो एक
फीलिंग तो आता है ना कि हम भी किसी कहानी का पार्ट हैं और खुद भी कहानी बन सकते हैं, एक सिलसिले की शुरुआत है। हाँ भाई, देखो क्या होता है कभी कभी ना, जैसे दिलचस्पी होगा। हाँ भाई, जो भी होगा कुछ तो अच्छा ही होगा। तो जैसे मैं कंट्री म्यूजिक की मैं बात कर रहा था जी भाई, तो उनमें एक हैंक विलियम्स हैं। थोड़ा आप ना, अगर कुछ दर्शकों को शायद ना पता हो कंट्री म्यूजिक, थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। ओके, कंट्री म्यूजिक वेस्ट मतलब अंग्रेजी म्यूजिक है, जिसमें बॉब डिलन, वुडी गथरी, हैंक विलियम्स और जॉनी कैश, इन सबको मैं सुना करता था। तो सबसे पहले अंग्रेजों का फोक मान लीजिए आप। हाँ, बहुत ही अगर बिल्कुल देसज ढंग से बताओ फोक। अभी यहाँ पे फोक, मैं कई बार बोलता हूँ फोक म्यूजिक तो लगता है पंजाबी राजस्थानी ऐसा हो जाता है। तो इसी चक्कर में मेरे को भी, जैसे मेरा म्यूजिक है, मुझे लगता है कि वो उधर जो फोक म्यूजिक होता है वो है, लेकिन यहाँ पे फोक बोलते हैं तो मतलब अपना रीजनल म्यूजिक हो जाता है। तो ऐसे ही किसी दिन किसी दोस्त ने मुझे वो बॉब डिलन का ब्लोइंग इन द विंड का भेजा, वो जिसमें वो एकदम पुराना जवान 19-20 साल का बंदा ऐसे गा रहा है हाउ मेनी रूट्स। तो मुझे लगा यार कि ऐसे कुछ फैंसी गा भी नहीं रहा, लेकिन आज भी हम सुन रहे हैं 70 साल बाद। तो तभी मुझे ऐसे आया कि यार हम भी गा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं गा सकते, सुनेगा कोई ना कोई। तो कहीं ना कहीं वहीं से ये अंदर एक जो कौपल फूटी है वहीं से फूटी है। तो हैंक विलियम्स की मैं बात कर रहा था जी, वो इनके भी थोड़ा पहले के हैं। वो 52-53 का जो न्यू ईयर था उस पे उनकी डेथ हो गई थी 29 की एज में। अच्छा। 700 गाने लिख के वो मर गए थे 29 की एज में। तो मुझे भी अभी जैसे कई लोग मेरे को बोलते हैं कि इतने गाने, मतलब मैं बहुत फ्रिक्वेंटली रिलीज करता रहता हूँ, ऐसे बहुत लिखता हूँ, क्योंकि तो कई बार ऐसे लगता है कि लोग बोलते हैं ना हाइप बनाओ, साल में 2-3 गाने निकालो। मेरे को लगता है यार मैं कल को मर गया तो गाने तो रह जाएंगे। पता नहीं ऐसे कभी कभी मुझे लगा, तो मैं कह जब मेरे मन में कोई गाना आता है, मैं मेरे से जितना अच्छे हो पाता है मैं उसको करता हूँ रिलीज। फिर और परफॉर्म कहाँ कहाँ करते हैं भाई जाके, मतलब कैसे, अगर इफ कोई ये वीडियो देख रहा है और उसको आप तक रीच आउट करना है तो क्या तरीका है, और कहाँ मतलब देश में परफॉर्म करते हैं या अभी बाहर भी शुरू किया है? अभी तक तो इंडिया में तो चारों तरफ मैं करता रहता हूँ। अभी आप सूरत में थे शायद बीती हाँ, शाम कल सूरत में था, बीट बिलिंग में थे उसके पहले, 2 दिन पहले बीर में था। तो अभी तो पूरे इंडिया में इधर उधर जहाँ पे भी हिंदी सुनने वाले लोग हैं तो वहाँ मैं करता हूँ। सिंगल शो होता है कि ट्रूप भी रहता है साथ में कुछ? नहीं, अभी तो वन मैन आर्मी है। अच्छा। और कभी ऐसे म्यूजिक फेस्टिवल्स जरूर होते हैं जिसमें किसी का है फिर मेरा है, ऐसे स्लॉट जैम भी करते हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, जैसे और मुझे सुनने में भी बहुत मजा आता है। जैसे कई ऐसे आर्टिस्ट हैं अभी इंडी म्यूजिक में, जैसे कि फिडल क्राफ्ट करके एक बैंड है, मेरे को बहुत पसंद है। और फिर मैं उनसे भी एक किस्सा है मैं सुनाता हूँ, मैं उनका फैन हूँ बड़ा, तो उनको भी बताता हूँ कि पुणे में जब मैं नौकरी छोड़ दी थी शायद मैंने, और मेरे को गिटार आता नहीं, गाना कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे को बड़ी ऐसे आग है कि यार ये कैसे होता है ना। तो फिडल क्राफ्ट करके जो बैंड है, तो मैंने नेट पे देखा उनका शो था पुणे में, हार्ड रॉक कैफे में, तो मैं पहुंच गया उनका शो देखने। और उनका जो लीड सिंगर है गौरव, तो उनको मैंने फेसबुक मैसेज भी डाला था, तो उन्होंने बोला कि आओ मिल लेंगे वहीं पे। तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ऐसे पब्लिक पागल हो रखी है। मुझे लगा यार ये तो भाई जादू है, तो हमसे ना हो पाए ऐसे करके। और फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने बड़ी हिम्मत दी। वो आज भी मैं कुछ ऐसे कुछ होता है ना, जैसे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको कॉल करता हूँ मैं। तो फास्ट फॉरवर्ड 4-5 साल हमने मुसाफिरी की, घुमकड़ी की, फिर मुझे एक दिन कॉल आता है कि बीर में एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है तो आप परफॉर्म करना चाहेंगे क्या? मैंने कहा यार काम आ रहा है तो हम तो करेंगे, मैं कहा और कौन आ रहा है? तो पता लगा फिडल क्राफ्ट भी आ रहा है। तो मैं लाइक भाई हम तो आ ही रहे हैं चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो ऐसे कलाकार हैं इंडी म्यूजिक में बहुत सारे, उनको भी सुनने का मेरे को मौका मिलता है। तो इस नहीं तो क्या टिकट लेके जाए किसी को सुने, मुझे लगता है मैं गाने गाता हूँ इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि मेरे को कई लोगों के दिल की बातें हैं, किससे मेरे को ऐसे फर्स्ट हैंड सुनने को मिलती है बात, जैसे अपन बात कर रहे हैं ऐसे उनसे बात करने को मिलता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कभी सफर के दौरान कुछ ऐसा हैरत अंगेज हुआ हो कि यार ये बेढपना कभी कभी बन पड़ती है, कुछ बन आती है? हाँ, ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं। मोस्टली तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ है। मैं जैसे पहले घूमता था तो लिफ्ट लेके घूम रहा हूँ, अपना टेंट लेके घूमता था। अच्छा। मेरे को टेंशन नहीं किसी चीज की,
गाने गाता, मैं अपने गिटार को मील टिकट बोलता था मील टिकट हाँ, इसको लेके बैठूंगा भोजन का प्रबंध हाँ, तो हो ही जाएगा कहीं नहीं जा रहा। तो इस चक्कर में तो उस टाइम पे कई लोग ऐसे भी मिलते थे कि होता है ना कि जब आप कुछ गाने गा रहे हो, तीन तीन घंटे गाने गा रहे हो, तो कोई बुला लेते थे, अरे आप हमारे कैफे पे आओ, आप हमारे यहाँ आ जाओ, ऐसा करके दो तीन घंटे गाने गवाए, एक चाय पिलाए, चलो भाई टाटा बाय बाय। तो हालांकि हम उस टाइम पे अपने मजे के लिए करते थे, बट आई थिंक उस टाइम पे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, बट 99% तो मुझे हमेशा अच्छे ही लोग मिले, तो इसीलिए तो उम्मीद जगी रही कि हाँ दुनिया बढ़िया है। कोई बेचे पतझड़ को, कोई आंधी अंधड़ को, कोई तो सावन ही बेचे, कोई बेचे अपना हाल, कोई बेचे अपनी खाल, कोई तो जीवन ही बेचे, ये दुनिया कोठा है कोई, तवायफ से हम हैं, कभी इसके हैं कभी उसके हैं, नाजायज से हम हैं हम हैं। ये सब उसी दौर में लिखी हुई कविताएं हैं। मुझे लगता है जब आदमी एकदम पर समझ रहे हो धक्के खा रहा है, कुछ कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, या उसको भी नहीं पता कि उसको कहाँ पहुंचना है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है उस टाइम पे जो चीज निकलती है वो अलग निकलती है। अच्छा एक बात बताओ कि भाई आपकी ना पोएट्री में मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी दिखती है, जिस तरह मसलों पे मसले मिल रहे हैं, कोई बताएगा कहाँ हथियार और असलहे मिल रहे हैं, ऐसा कभी रहता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लोग पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं खासतौर पर आर्ट फॉर्म में, उनको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है अपनी पॉलिटिक्स को लेके। आपके ऊपर वो प्रेशर रहता है लिखते वक्त या गाते वक्त? नहीं, मैं एक्चुअली मैं ये तो नहीं प्रेफर करता कि मैं किसी का नाम ले लेके गाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुद्दा बड़ा है, वो आदमी तो आज है नहीं है, है ना, पर मुद्दा हमेशा बहुत टाइम तक कायम रहता है, तो क्यों ना उसको टारगेट किया जाए। तो इस चीज़ में बहुत है, मेरे अभी मैंने कुछ समय पहले गाना लिखा था, जो मैंने कविता ही कह लो, अभी उसको ऐसे ढंग से तैयार नहीं किया, पर वो ऐसे था कि जो सरहद पार वाले हैं, अत्याचार वाले हैं, चिल्लाते दुनिया में सब सरकार वाले हैं, वो हथियार वाले हैं, हम घर बार वाले हैं, चिल्लाते सारी दुनिया में सरकार वाले हैं, एक तरीका है जिससे उनकी मनमानी रोक देते हैं, हवा तो रोक नहीं सकते पानी रोक देते हैं, चलो उस पार पलते बचपन की जवानी रोक देते हैं, किरदार मारते हैं चलो कहानी रोक देते हैं, चूड़ियाँ पहन लें सारे वो जो प्यार वाले हैं, चिल्लाते सारी दुनिया में सरकार वाले हैं। ऐसी चीजें मैं लिखता हूँ कभी कभी, और इनको रिलीज भी करेंगे जल्दी, और गुस्सा भी है चौराहे पे जाके गुस्सा तो वही है, एक कलाकार मुझे लगता है जब भी हर इमोशन को वो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम तक फील करता है, कहीं तभी निकलती है वो चीजें, तभी कई बार मैं आप जैसे आप कहते गानों में एकदम वो क्या बोलते हैं उसको एकदम नग्नपन सा एकदम समझ रहे हो, जैसे क्या जयपुर क्या दिल्ली में मूत निकल गया सलवार में, मुझे लगता है उसको शुगर कोट कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा समझ रहे हो, उसको सही से भी लिख सकते थे, पर मुझे लगता है कि उसको सही से लिख दूंगा मतलब सही से क्या ही होता है, मैंने देखी है वो चीज़ें हमने हमारे आसपास में रोज होती है, तो क्यों ना उसको वही जैसे मंटो कहा करते थे, जो चीज जैसी है उसको वैसी क्यों ना पेश मेरा की काम है? कपड़े पहनाना नहीं, इसकी हाँ, रंगाई का बयान देना है। तो मैं तो ये अगर आप सुना सके चौराहे पे जाके, इसको अभी कंपोज किया कि नहीं किया है? हाँ। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जमानों पहले इस पे शुरू में यही सब गाने में किया करता था। अब लोग नहीं सुनते ये गाने? ये अब नहीं सुनते हैं? सुनते हैं, ये वो लोग हैं जो थोड़ा और गहराई में जाके मेरे गाने ढूंढ के सुनते हैं कि आदमी ने पहले क्या किया, क्योंकि ये सबसे पहले के गाने हैं मेरे, जो शुरुआत के 10 गानों में से हैं, ये समझ लो। पर आपने यार बात बदल गई दोस्त, कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करे? हाँ, संपर्क करना हो अब तो हम बहुत इजीली मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे है राहगीर लाइव से, और तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, या गूगल पे भी जैसे RAHGIR डालते हैं तो सब आ जाता है बन के। अच्छा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आ जाते हैं, ईमेल सब आ जाता है। शुरुआत कैसे है भूल गया? जब कुछ दिन तुम कुछ दिन दुनिया को तरीके से तुम कुछ दिन दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहो, जब ये ना चल पाए तो गुस्से में जलाना चाहो, तुम जे बैठ टोलो एक माचिस मिले पर उसमें एक ही तीली हो।
उसमें भी किस्मत की साजिश हो और वो भी साली गीली हो तो चौराहे पे जाके बैठ जाना तुम, मैं भी कुछ देर में वहीं पहुंचता हूं। तो वही गुस्सा है, जला देंगे चौराहे पे इकट्ठे होके। आपने कभी किन्नर समुदाय के सामने ये गाना गाया है, मैं देखूं तुझे तू देखे तो नौ? उनके सामने तो नहीं गाया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो मतलब किन्नर समुदाय के हैं, कोई ट्रांसजेंडर है, तो मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती है जिनसे, तो उन्होंने भी सुना है। इवन मैंने इस मुद्दे पे एक दो और भी चीज़ें लिखी थी, बीच में मैंने एक गाना लिखा था, मतलब वो अभी तक उसको कंपोज नहीं किया, बट उसका नाम था लौंडा नाच करके, तो वो भी थोड़ा ऐसी मतलब समझ लो जो एकदम सीधा प्रहार करके। तो वही है कि उसमें ऐसे ही किसी की कहानी है कि घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते और कैसे वो लौंडा नाच करके ज़िंदगी गुजारते हैं, थोड़ा उस टाइप का है। कभी उसको सोच रहा हूँ कि मेरे एक दो जो दोस्त बता रहा हूँ उन पे ही कहीं ना कहीं उनको फिल्मा के अच्छे से वो एक्सप्रेशंस के साथ। अरे फिल्म अच्छा अच्छा याद दिलाया, ये पिक्चराइजेशन और विजुलाइजेशन बड़ा अच्छा। जैसे मैंने कुछ वीडियो देखे तो मैं ऐसा कर रहा था कि एक शाम हम कुछ गानों की तलाश में थे, अच्छा, तो ट्विटर पे लिख दिया, तो वहाँ पे बहुत सारे नौजवान तबीयत के लड़के लड़कियों ने गाने सुझाए, प्रतीक कुहाड़ के, ओशो जैन के, अनूप के, आपके, तो ऐसे मैं पहुँचा और फिर मैंने वो जो आपका सबसे पॉपुलर गाना है, मुझे उसके लिरिक्स बहुत दुरुस्त लगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को उस गाने में किक इसलिए आती क्योंकि उसमें शब्द है। हाँ, अब इस शब्द को लेके बड़ी दिक्कत है, जैसे हो सकता है इस शूट के बाद हमारे न्यूज रूम में बहस हो कि इस पे बीप लगाना है कि नहीं लगाना है। हम जिस इलाके से आते हैं हिंदुस्तान के, इंडो गैंजेटिक प्लेन के, वहां पे ये शब्द मूर्ख के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, और वो इश्किया में बड़ी मशहूर गाली भी है, एकदम चूतियम सल्फेट लग रहे हो। खैर, तो वो गाना सुना बाद में मैं यही नोटिस कर रहा था कि जो विजुलाइजेशन किया गया है वीडियो में वो भी बड़ा दिलचस्प है, बहुत उसमें दंद फंद नहीं है लेकिन बहुत सटल ढंग से, तो वो कौन करता है? मेरे जितने भी गाने हैं, जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं मेरे गांव आओगे का, हर किसी भी गाने का, वो सब मैं ही बनाता हूँ और एडिट भी मैं ही करता हूँ। फिर उनमें कुछ इतना है नहीं कि कुछ एडिट वाला सीन। गुरु तुम गुरिल्ला टाइप आदमी हो गए हो? नहीं नहीं, वो क्या है ना, जब आप किसी दूसरे को पैसे नहीं दे सकते ना तो आप एडजस्ट कर लेते हो, सीख लेते हो सारी चीजें। और उसमें ऐसा वो आप ही ने शूट किए, आप ही ने एडिट किए हैं अपने वीडियो? हाँ, तो मैं गाने रिकॉर्ड भी खुद ही करता हूँ घर पे ही, सब ऐसे वन टेक में। कुछ माइक है एक छोटा सा मेरे पास, उसको रखा, गाया। तो किसी म्यूजिक कंपनी ने फिर आपको अप्रोच नहीं किया अभी तक कि हम आपका एल्बम बनाते हैं कुछ? कोई कोई आते हैं बट पता नहीं, मेरा है ना ऐसे किस ऐसे जब भी कुछ ऐसे ज्यादा झमेले से आने लगते हैं ना तो मैं ऐसे थोड़ा ऐसे बहक जाता हूँ कि नहीं कुछ अच्छा। तो अभी वो शूशा चीजें नहीं की मेरे टॉक टू माय मैनेजर और ऐसे स्टाइलिस्ट बताए कि कितने चीप की कमीजें पहने? नहीं, मैनेजर वाला तो हमने किया है थोड़ा, मतलब एक मेरा है एक मैनेजर, लेकिन वो उस वाले सेंस में नहीं है कि अपन क्या है ना, अपन कलाकार लोग हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे लोग हमसे अच्छे से बात करते हैं तो हम उनको बहुत अच्छा मान लेते हैं, अरे कोई नहीं कर देना पेमेंट का क्या सीन है ऐसे करके, और फिर जब शो हो गया उसके बाद फिर हम कॉल कर रहे हैं भैया भेज दो, भैया भेज दो, भैया कह रहे हैं अरे अभी हम आया नहीं है, अभी अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कलाकार अपना काम करता रहे इसके लिए। हमें अपनी शराफत दिखती है और कुछ लोगों को अपनी अशर्फियाँ दिखती हैं, यही सही बात है। तो फिर अब मैं गा भी रहा हूँ कि गीतों की कीमत भारी है तो कोई तो कमाने के लिए। क्या है गाना, सुनाइए जरा। चलो आपको सुना दो। और गुरु ये लल्लन टॉप जैसे बीच में लगे ना गला, थोड़ा चाय वाय भी आ जाएगी एकदम तसल्ली से, अपन गप करेंगे आज फिर। ठीक है, एक चाय तो हमने बढ़िया पी ली है, एक और मंगवा दूं? चाय के लिए तो हमेशा, चाय के लिए हमेशा तैयार है भैया। दो बढ़िया कड़क चाय, चीनी ठोक के, नहीं नहीं पत्ती ठोक के, चीनी रोक के, चीनी रोक के और अदरक झोंक के। ठीक है माइकल, सही। तो वही उस चाय से ही अभी तक चल रहा है, नहीं तो गला जाम हो रखा था पहले। अच्छा, तो वो सही रहा, मौके पे आते ही कुल्हड़ पेश कर दिया। नहीं, वो सही किया एकदम। तो अच्छा, गायक लोग तो गुरु बड़ा ऐसे मुलेठी वुलेठी शहर है सब है? पता नहीं, मैं अभी तक तो उतना नहीं आया, मतलब अपना सिंगिंग भी वैसे उतना वो नहीं है ना कि बहुत खींच रहे हैं ये वो। हालांकि मुझे पहले लगता था कि
कि ऐसे भी ठीक है कि कोई सिखाता है तो अपना जो मूल तुम्हारा वो स्टाइल होता है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उसकी भी कुछ कुछ फायदे बड़े रहते हैं। जैसे कि ओवर द लाइन मैंने जब घूमता था तो मैंने अपना गला बड़ा अब्यूज़ किया है, जैसे घंटों घंटों गाता था, सही टेक्निक भी नहीं है और पानी भी कभी पी, तीन तीन घंटे गा रहे हैं पानी नहीं पी रहे, समझ रहे हो? उस चक्कर में मैंने बड़ी कीमत चुकाई, अच्छे से गले का ऑपरेशन वगैरह कराया सब। गले का ऑपरेशन करवाया? हाँ, वोकल कॉर्ड्स पे कुछ इशू हो गया था, घूम घूम के इतने गाते थे ओवर यूज से। यार मुझे भी अपने गले का ख्याल रखना चाहिए। अब रखा करो, पर ठीक है, आप तो यहाँ बैठे हैं, चाय आ जाती है कहते हैं, पानी आ जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है गुरु, जब फील्ड पे होते हैं तब। नहीं सही है, वो होता है, कोई टाइम होता है उसका, आपका वो टाइम नहीं है, आप तो फ्री रहो। नहीं, सबका वो टाइम होता है, होता है, वो तो है ही। हर गिनती अंक कितना भी बड़ा दिखे, शुरू जीरो से ही होता है। नहीं वो तो है ही, पर एक होता है कि आदमी चाय पानी पी पाए टाइम टू टाइम, वो बहुत बड़ी बात है। जरूरी है। बढ़िया हो यार, तुम डार्लिंग आदमी हो, एकदम किताब पे भी मुस्कुराती हुई फोटो है, है? और क्या, किसने बनाया ये कवर? हाँ, ये मेरी एक फ्रेंड है अर्चना करके, हाँ मुंबई में उनका टैटू स्टूडियो है, उन्होंने बनाया, मैंने उनको बस अपना वो फील बताया कि ऐसा हम कुछ करते हैं, उन्होंने ये पूरा डिजाइन किया, मेरा इवन ये मेरा ऑरेंज वाला बस्ता भी दिखाया है। हाँ, ऑरेंज बस्ता भी ये, है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि सुस्ताते हुए कुत्ते भी हैं। वही, वो पूरा गाने का पूरा वाइब है ना मेरा, जैसे जो मैं अभी सुनाऊंगा मेरे गांव आओगे उसमें एक कविता है, अभी हम रोल कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बंद कर दे क्या? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये ऐसे चलता रहता है। अच्छा ठीक, तसल्ली की बात है, अपन वो शूशा वाले नहीं ना, एकदम से मुंह पे चार कैमरे आ रहे हो, आराम से तबीयत से बतियाइए, क्योंकि जो इस लेंस के उस पार है ना वो अपने बृहत्तर परिवार का हिस्सा है और वो इसीलिए लल्लन टॉप देखते हैं। सही बात, क्योंकि उन्हें किसी किस्म के भरम का हम भरम नहीं देते हैं। तो वही तो मैं जो बता रहा था, इस गाने में एक कविता है, इसका मतलब मैं गाने के बीच बीच में ना कविता, जैसे अब मैं कह रहा हूँ जैसे बैंड नहीं है तो बीच में फिलर, तो मैं कभी कभी कविताएं बोलता हूँ उस माहौल से जुड़ी हुई। तो जो मेरे गाँव आओगे उसमें कविता है कि सूरत स्टेशन के बाहर ठंडी बेंच थी, चाय गर्म थी, और बगल में एक ताऊ के हाथ में बीड़ी थी जो लगभग खत्म थी। मैंने बस दो चार चुस्कियां ली थी कि इतने में ताऊ ने दूसरी सुलगा ली थी, पहली को फेंका जमीन पर और जूती से कुचल दिया, मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया। ये तो इस किताब में भी है कविता। हाँ, तो वही तो ये वो वाला भाई भाई, बस स्टेशन है, कुत्ते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं लिखता हूँ ना कि जो जो बदलते गए वो चलते गए, जो ठहर गए वो ढलते गए। क्या बात है, रास्तों कितनी सुंदर बात है। रास्तों में मिले आवारा कुत्तों को सहलाकर, हमारे नादान से दिल थे बहलते गए, ऐसे क्या बात है। हाथ में गिटार, पीठ पे बस्ता है, जूतों में कंकड़ है, लंबा रास्ता है। हाँ, आती होगी लोगों को कॉफी और किताबों की याद, मुझे तो पेड़ याद आते हैं जब सावन बरसता है। ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, पर शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। वो इस तरह मजाक पे मजाक करते हैं, खाक से उठाते हैं, फिर खाक करते। ये बहुत प्यारी पंक्ति है। जुगनू ने जब पहली दफा आग को देखा होगा, ये मेरी रूह है क्या सामने सोचा हो। जैसे हमको लग रहा था कि हम सिर्फ संपादकी करेंगे, पर हमको एंकरिंग भी करनी पड़ती है। होता है, कोई कुछ कुछ करते भी रहना चाहिए। मैं भी अभी दो चार नई नई चीजें ट्राई करना चाहता हूँ, जीवित रहने के लिए जरूरी है। हाँ वही, कुछ जुड़ता घटता रहे। हाँ? कुछ तुम उड़ना चाहते हो तो याद रखो कि झूले टूटेंगे। मुंह के बल गिरे तो मुंह नहीं तो कूले टूटेंगे। हाँ, तो ऐसे अमूमन हमने देखा है कि जो इंडी म्यूजिक का सिलसिला है, तो अब फिल्म वाले भी, वेब सीरीज वाले भी बहुत अप्रोच करते हैं, तो आपके पास भी कोई इस तरह का ऑफर लेके आया? जी, अभी तो एक तो मूवी आ रही है पंकज त्रिपाठी जी की, और शेर दिल। अच्छा। हाँ, श्रीजीत मुखर्जी का डायरेक्शन है। हाँ। और शांतनु मोहित्रा जी उसको म्यूजिक अरेंज वगैरह कर रहे हैं। तो मैं इनको बड़ा मानता हूँ शुरू से ना, जैसे कुछ लोग होता है ना कि जैसे आप उनके बड़े मुरीद हो कोई ज़माने से, बाकी और फिर जब आप उनसे मिलते हो तो, और पता नहीं ऐसे मुझे लगता था कि मैं जब जैसे उनसे मिलूँगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, है ना, ऐसा
लेकिन कहीं ना कहीं यही उनकी खासियत है कि वो जैसे ही मिलते हैं ना आपको ऐसा लगता है कि अपने ही से हैं, मतलब ऐसे आप खुल के बात कर पाते हैं, आप ऐसे जैसे आपके साथ अभी मेरे हो रहा है, मैं बात कर पा रहा हूँ तो कभी ऐसे मुझे लगता है कि जिनके सामने आप अगर ऐसे सहज होके बात नहीं कर पा रहे ना कहीं मुझे लगता है कि वो उतने बड़े बने नहीं जितना वो बन रहे हैं या दिख रहे हैं। ऐसे मैंने देखा है जब भी मैं किसी भी ऐसे आदमी से मिला हूँ जिनको मैं बड़ा बहुत मानता हूँ अपने, और उनसे मैं जब मिलके और मेरे को इतना सहज होता है जितना मुझे किसी अजनबी राह चलते से भी ना हो, ऐसे मतलब होता है कुछ तो होता है उनके ऐसे बात करने। वो आए थे त्रिपाठी जी जब मिले तो, पंकज भैया, हाँ, तो वही उन्होंने बोला कि एक गाना है इनका फिल्म में, तो बोलते हैं कि अरे बढ़िया बढ़िया कहाँ से हैं आप, ऐसे फट से ना एकदम, जो गांव में बताया गांव है जयपुर के पास, गांव है खंडेला ऐसे करके, तो गांव में रहे हैं कि जयपुर में रहे हैं, तो गांव में रहा हूँ, तो कह रहा लग नहीं रहे आप गाँव में रहे हो मैं कहा दो चार मिनट बात करेंगे लग जाएगा हम गाँव से ही। पंकज भैया खुद भी गाँव में ही रहे हैं ना, गोपालगंज के अपने, तो वो है। और मैं खुद भी एक्चुअली थोड़ा सा ये ट्राई करना चाह रहा हूँ वेब सीरीज वगैरह का सिस्टम, मेरे पास आए एक दो बार ऐसे पर कुछ खास बात नहीं बनी, लेकिन मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ, जैसे प्यासा मूवी है गुरुदत्त साहब जी भाई, तो उस तरह का मैं एक मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं लिख रहा हूँ म्यूजिकल टाइप कि 4-5 एपिसोड हों, हर एपिसोड में 2-3 गाने हों और उनके साथ ही कुछ विजुअलाइजेशन चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो गाने ऐसे हों कि मतलब उसका जो स्टोरी है वो ही ऐसा मैं कुछ दर्शा। एक बात बताइए, दो सवाल है मेरे, एक तो ये कि इतना घूमते हैं गाने तो लिख देते हैं पर हाथ तो कहानियां ज़्यादा लगती होंगी, किससे ज़्यादा लगते होंगे? वो तो है, ज़्यादातर तो जैसे अपने जो गाने हैं सब किससे ही हैं एक तरह से, तो बाकी कुछ हाँ है, एक तो बिल्कुल बहुत ढंग से दर्ज हो जाता है किस्सा, ये है कि मैंने उसको मोड़ रखा है पन्ना, एक हाथ में 3 गंगन एक हाथ में, किस्सा ही है ये एक्चुअली ना, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे कुछ गाने ना अक्सर वो कोई कोई ही समझ पा रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो है किस्सा है बिल्कुल है, लेकिन वो किसी और नजरिए से देख के लिखा हुआ है, वो एक ऐसी शादी मतलब ऐसी मैरिज के बारे में लिखा हुआ है जो जिसमें कोई प्यार नहीं है, जिसमें बहुत टॉक्सिक है, जिसमें उसको ये फिक्र भी नहीं है कि वो कैसे दिख रही है, आंखों के नीचे 2 काले तालाब बने हुए हैं, तो वो उस बारे में है, तो कहीं ना कहीं है तो एक्सपीरियंस ही। मेरे गानों में जो लोग हैं सब मैं ही हूँ। किसी सयाने ने कहा बहुत बड़ा तूफान आएगा, सब कुछ उड़ा ले जाएगा, घमासान आएगा, जो बैठे थे वो सारे एक से एक सयाने थे, सबके अलग ही राग अलग ही गाने थे, तूफान से पहले ही हालात बिगड़ गए। ये गाना तो बहुत ये मुझे बहुत पसंद है, अभी इसमें पहले सिर्फ 2 अंतरे थे ये जी भाई जो है, हाँ। अभी मैंने इसमें 5 तो इसमें हाँ और जोड़ दिया, अभी मैं इसका एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज करूंगा, अभी किया नहीं इसमें डाल दिया। हमारी एक दरख्वास्त है आपसे गुरु जी कि अगली दफा जब ख्यालों को रिम दस्ते कागज पर उतारने का जतन हो जी, तो किससे भी खूब आए, कविताएं तो आए ही, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो वो जो तमाम तजुर्बे कभी हादसों कभी हसरतों की शक्ल में कभी तो आएंगे। मैं अभी कल परसों कुछ लिख रहा था कि अगर आप मेरे सामने से गुजर जाएंगे मेरे किसी गीत में नजर आएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। किससे धीरे धीरे निकलेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपने अभी वो एक्सपीरियंस किया है, जैसे अभी कुछ दिन पहले सपोज मैंने एक राजस्थान पे बाइक टूर किया था जी, 45 दिन का। अच्छा। जिसमें मैं मेरे दोस्त और थे 2, सौरव और एक करमवीर, फिर एक और हमारे दोस्त ने ज्वाइन किया था विशन ने, तो गाने वाले मैं और सौरव हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, वो हमारा टूर था, लाइक हम छोटे बड़े शहर में हर जगह जाते थे और ऐसे पब्लिक में पार्क में ऐसे माहौल बना देते थे और 200 ऐसे लोग ले आ जाते थे, 200 कभी 300 स्टोरी डाल देते थे, आज इस जगह इस पार्क में आ जाओ, किसी का कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही बैठेंगे महफिल लगाएंगे बिना कोई माइक वाइक के, तो ऐसे लगता था कि उसमें कुछ बहुत कुछ स्टोरीज हम लोग जमा करेंगे, कहानियाँ किस्से और करते हैं, पर कई बार ऐसा होता ना कि अभी हमको अभी नहीं पता, हो सकता है आज से 5 साल बाद मैं कहीं बैठ के कुछ सोच रहा हूँ और उसका कोई मोमेंट निकल के आएगा,
तो इसलिए मुझे लगता है सफर जरूरी नहीं कि हाथों हाथ ही वो किस्से आपको मिले। पकने बहुत बार ऐसे होता है कि अब मैं कुछ लिख रहा हूँ और कभी का कुछ निकल के आता है। कहानियां तो बटोरते ही रहेंगे जब तक जिंदा है, सारा उन्हीं का खेल है। बढ़िया, तो आप मुझे ये वाली कविता अगर सुनाएं तो फिर हम लोग फिलहाल के लिए जी एक विराम लेंगे। मैं इसको पढ़ रहा था मालवा शैली में जो कबीर के भजन गाए जाते हैं, तो उसमें एक भजन है हरि ने ऐसी रेल चलाई। अच्छा। तो JNU में हमारे प्रोफेसर थे पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, तो कबीर पढ़ाते थे। अच्छा। तो बोलते देखो ये यकीन और लोक में किस तरीके से आता है, तार्किकता को जो गिवन तार्किकता किनारे रख के, कि कोई नहीं पूछेगा कि भाई कबीर के समय तो रेल नहीं थी। हाँ। है ना, लेकिन उनको वो भरोसा है और उसका फिर जो मेटाफर है उसका अर्थ है कि हरी ने ऐसी रेल चलाई और सब आके उसमें बैठो भाई। हाँ। वही मुझे लगता है जैसे मेरे भी कई गानों में मैं मेटाफोर बहुत यूज करता हूँ। कभी सबसे ज्यादा आपने आप जैसे हो रहा था ना कि कुछ चीजें बहुत मेरे गानों में बहुत ज्यादा बार बार दिखती हैं। जी भाई। बहुत ज्यादा रिपीट कर दो कुछ भी, पर वही है पेड़ हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर दूसरे गाने में पेड़ तो कुछ आ ही जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। तो सीकर आता है गाने में। हाँ। राजस्थान आता है कुछ, कोई वहाँ का फोक जिसको आपने फोक एक मैं ये बताता हूँ, मैं सब मैं 5 साल से घूम रहा था, गाने गा रहा था इधर उधर जी, लेकिन वही हम ज्यादा लोगों की नजरों में थे नहीं, कुछ गिने चुने जो हमने कहीं पार्क में कहीं घाट पे सुनाए जिनको वही जुड़े हुए थे हमसे। फिर क्या हुआ, अभी बीच में पालमपुर के बस स्टैंड पे हम बैठे थे टपरी चाय की टपरी पे। हाँ, हिमाचल में वहाँ पे जैमिंग कर रहे थे और उसमें मैंने राजस्थान का एक पुराना गाना है 70-80 के दशक में, एक गोविंद सिंह राठौड़ जी हैं उन्होंने रेडियो पे गाया था वो, और वो थोड़ा लोरी की तरह जैसे अपन बचपन में नानी हमको सुनाते थे, घर वाले बड़े जो सुनाते थे जी। तो उसको मैंने गिटार पे, मेरे को ऐसे पुराने रेयर जो राजस्थानी सॉन्ग्स हैं उनको बड़ा जमा करने का सुनने का बहुत शौक है, और वो फिर मेरे जबान पे चढ़ गया और मैं उसको गाता रहता था इधर उधर। फिर उसका एक रील वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे और ये वहीं से मैं एक्चुअली नजर में आया, वहीं से फिर आदमी वाला आया, फिर वहीं से लोगों ने मुझे डिस्कवर किया। तो कहीं ना कहीं ये समझ लो वो फोक म्यूजिक में वो जो गाना है उसी गाने ने मुझे बड़ा बहुत कुछ दिया है। वो सुनाइए, वो वाला सुनाता हूँ जी भाई। ये गुरु क्या होता है, ये इससे कान टाइट हो जाता है गिटार का? नहीं, ये जैसे क्या बोलते क्या है इसको? इसको कैपो बोलते हैं। कैपो। हाँ। तो कोई चीज जैसे यहाँ बजाते हैं तो जैसे ये यहाँ पे कॉर्ड ऐसे बजाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ये बार कोड ऐसे पूरा उंगली यूज हो रहा है ना, तो जैसे इसको यहाँ लगा देंगे ना तो तुमको जैसे थोड़ा और आराम से बजा सकते हो, एक उंगली भी फ्री हो जाती है। छोटे छोटे फायदे हैं, मेरे को भी इतना नहीं पता, पर किसी भले आदमी ने कुछ बताया छोटा मोटा यूज कर लेते। बढ़िया। तो ऐसे फन गाना है थोड़ा सा। हाँ। अर कान्या रमान्या कुर चाला जोधपुर, अर कान्या रमान्या कुर चाला जोधपुर, अरे जोधपुर का कबूतर अर भाई उड़ता रे पुर पुर रे, कह मोटर बोली बुर छोरा बोलिया हुर, अरे लग रे गंडकड़ा अरे लग रे गंडकड़ा मोटर पाछे कान्यू बोलियो दुर रे भाई, कान्या रमान्या मन्या के कन मने, कान्या रमान्या मन्या के कन मने, कान्या रमान्या। इसमें क्या एक बच्चा होता है वो नानी के जाते हैं तो मोटर बोली गुर कुत्ते लगते हैं, फिर क्या होता है, अरे कान्यू मांगियो खिचड़ी रे नानी घली दाले, अरे कान्यू मांगियो खिचड़ी रे नानी घली दाले, जी मन ने जद कान्यू बैठो दाल में निकलो बाल रे भाई, कान्यू गयो रूस लारे कबूतर सूस भाई, कान्यू गयो रूस लारे कबूतर सूस, अरे मोर राम जी अरे मोर राम जी कर फैसलो नानी तो कंजूस रे भाई, नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर भाई, नानी बोली अर छोड़ दाल चर पर, अरे मारा लाल ने दूध पिलाऊं चर मर गर रे भाई, कान्या रमान्या मन्या के कन मन, कान्या रमान्या मन्या के कन मन, कान्या रमान्या। ऐसे करके बड़ा लंबा सा गाना है, बहुत प्यारा है। तो ये मैं ऐसे गाया करता था, पता नहीं कहाँ से उठ के, रिलीज तो मैं अपने खुद के ही किया करता हूँ गाने, पर मैं फोक तो गाता हूँ काफी। कभी ऐसा ख्याल आया
कि फोक और अपने को मिला के कुछ फ्यूजन पेश किया है। बहुत दिखता है उसमें, इवन वो झलकता है, जैसे अभी जैसे मैं भाई रागीर वाला गाना ले लूं तो उसमें दिखता है कि हाँ ये फोक, वो लगता है वो वाइब पूरा वही है लगभग गानों में। हाँ, वो जैसे होता ना वो मेलेडीज भी हमारे वही है, जैसे भाई रागीर वाला सुन कैसे लगा जैसे कोई हम पुराना राजस्थानी कोई हिमाचली गाना सुन। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। अभी है बाप जिंदा बेटे बंटवारे को लड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। और जो आप लेखक बनने की कहानी सुन रहे थे वो इसमें भी बोला है मैंने थोड़ा सा जी। भूखा रह के लड़के अरे लेखक बन गया वो, झुकने को कहा दुनिया ने लेकिन तन गया वो, सबने कहा लिख शहद मगर उसने तेजाब लिखी, अरे एक नहीं दो चार नहीं एक पूरी किताब लिखी, एक पूरी किताब लिखी। ठेले पे समोसे के उसके फिर पन्ने फड़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए, भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। तो फोक ही है, इवन स्टाइल भी वही है जो पुराने ऐसे फकीर लोग नहीं आते थे। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, तो ऐसे पूरा वही वाइब है इन सब में। तो सुनता जो आप सुनते हैं ज्यादा वही निकलता है भैया। क्या सुनते हैं आप? हमारे अलग अलग मूड्स होते हैं बहुत ना, एकदम एक्सट्रीम वाले, जैसे कभी तो मैं जैसे बता रहा था कि अंग्रेजी कंट्री म्यूजिक सुन रहे हैं, कभी एकदम राजस्थान का पुराना फोक सुन रहे हैं। कहाँ, यूट्यूब पे ही खोज के या? यूट्यूब पे है, स्पॉटिफाई वगैरह पे है, बाकी तो जो मुझे अच्छा बहुत। स्पॉटिफाई पे तो आपके भी गाने मौजूद हैं, स्पॉटिफाई यूट्यूब म्यूजिक हाँ सब एप्पल म्यूजिक इन सब हर प्लेटफॉर्म पे है मोस्टली। और तो मैं क्या करता हूँ जो मुझे पसंद रहता है बहुत कुछ मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ, क्योंकि इंटरनेट का भरोसा मैं ज्यादा करता हूँ। कुछ भाई बता दीजिए रिकमेंडेशंस कि अगर मुझे राजस्थानी फोक सुनना हो तो मैं क्या टाइप करूँ। राजस्थानी फोक सुनना है तो मुझे पर्सनली चंपा मेथी करके ना एक कपल था, चंपा मेथी हाँ, तो जो होते ना हस्बैंड वाइफ गाते रहते साथ जी, में जी, वो, जी। तो उनके मुझे बहुत पसंद है, अल्लाह जिलाई बाई हैं, अरे ना वो हैं, उसके अलावा इवन वीणा बाद में 90s में उन्होंने वापस अच्छे से रिवाइव किया, वही चंपा मेथी इन सबके गानों को फिर से सीमा मिश्रा करके हैं राजस्थान की उन्होंने गाए थे, तो वो भी अच्छा है, तो उनको मैं बहुत सुनता हूँ राजस्थान में। प्लस जैसे हिमाचली फोक पुराना मैं बहुत सुनता रहता हूँ। और हिमाचली फोक में कुछ जैसे आपने एक वो गोविंद सिंह जी का सुनाया वैसे हिमाचली कुछ सुनाता हूँ। हाँ भाई, दो तीन गाने मिक्स करके सुनाता हूँ जी बिल्कुल, ताकि आप दंतारा बजदा हो रांझणा नूर महल दी मोरी, दंतारा बजदा हो रांझणा नूर महल दी मोरी, चल मेले चलिए ओ रांझणा दुई जणियां दी जोड़ी, चल मेले चलिए हो रांझणा दुई जणियां दी जोड़ी, मिंजो नत बुगड़ाई दे ओ रांझणा माऊ अपनी ते चोरी, तारा बजदा हो रांझणा नूर महल दी मोरी। काला घगरा सियाई के ओ सियाई के ओ धोबण पानी जो चली मैं तेरी सो ओ धोबण पानी जो चली, ऐसे करके पूरी पूरी कहानी है उनके, कुछ ऐसे हैं कुछ एक दो ऐसे भी होते हैं। ओ तगलानिया सच वो है सच वो मारे बांक दिया चाचुआ,
ਔਰਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਬੋ ਮਾਰੇ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਚਾਚੂਆ ਬਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਜ ਲੱਗਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦਿਆਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਵੋ ਮਾਰੇ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਚਾਚੂਆ ਔਰਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਬੋ ਮਾਰੇ ਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਚਾਚੂਆ ਚਾਚੂਆ ਸਰ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕੀ मैं तो सच बोल रही हूँ तुम्हें बांकू के चाचू हस्बैंड को बोल रही है और उसके बाद बोलते कि भांडे बर्तन जब मांजती हूँ तो सर्दी लगती है रोटी जब पकाती हूँ तो गर्मी लगती है कोई छोटा सा नौकर रख लो ऐसे करके वही पुराने जो अपने फोक में घर परिवार की बातें होती थी वही है और ये आपने सफर के दौरान जुटाए ये गाने हाँ सुने जैमिंग हुई किसी ने गाया हाँ तो इस चक्कर में वहाँ की भाषा भी लहजा भाषा सब पकड़ में आ जाती तो मैं पंजाबी हिमाचली सब थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ पंजाबी तो अच्छे से बोल लेता हूँ हिमाचली भी लगभग एलपीयू में पढ़ने के दौरान भी थोड़ी पिक की होगी वहाँ से बड़ा फायदा हुआ तो फोक सुनता हूँ उसके अलावा फिर बॉलीवुड में पुराने सुनता हूँ तलत महमूद और उन सबको अच्छा हाँ किशोर कुमार हो गए पर आजकल तो मैं तलत महमूद उनमें बड़ा फंसा हुआ हूँ उनकी जो ऐसे मखमली आवाज़ है मुझे बहुत पसंद है और क्या सुनता रहता हूँ अपने कंटेम्प्रेरीज में किसको सुनते हैं अपने एक तो आपने एक बैंड का जिक्र किया हाँ आजकल फिडल क्राफ्ट तो है लोकल ट्रेन द लोकल ट्रेन को भी सुनता हूँ कभी कभी और बाकी ओशो जैन अभी हम साथ में थे बीर में अच्छा उनको भी हाँ अभी क्या हम सब अभी टकराते रहते हैं कहीं ना जैसे कहीं किसी फेस्टिवल में उनका भी है मेरा भी है जी भाई करके तो उनके भी कुछ गीत तो मुझे पसंद हैं और नए लोगों में कौन है मैं ज़्यादा नए सुनता नहीं हूँ पर इन सबको सुनता हूँ दो तीन लोगों को बाकी इतना मुझे पता नहीं मैं और पीछे पीछे जाता रहता हूँ जैसे अभी मैं 1950 का कुछ सुन रहा हूँ उसी का कोई 30s का वर्जन मिल जाएगा तो मुझे 50 वाला फिर फीका लगने लगेगा हाँ। मुझे लग रहा है मैं किसी गलत जमाने में पैदा हो गया नहीं 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 सही है ये कहने के लिए भी तो एक ज़माना चाहिए कि सही बात है अच्छा एक आखिरी सवाल और फिर आखिरी गुजारिश इस बैठकी की देखिए अब तो पाताल लोक के आने के बाद वो डायलॉग बार बार रिपीट किया जाता है ना इफ अ मैन इफ अ डॉग लव्स अ मैन वगैरह वगैरह है ना पर हमारे यहाँ कुत्तों के इर्द गिर्द बहुत किस्से बुने गए हैं वो तो बार बार रिपीट किया जाता है युधिष्ठिर वाला कि जब सब गिर गए एक एक करके तब भी कुत्ते ने साथ दिया स्वर्ग के द्वार तक कुत्ता था और धर्मराज भी अड़ गए इसके साथ ही दाखिल होंगे उसके बाद हमने वो सारे प्रसंग भी सुने हैं कुत्तों के इर्द गिर्द फिल्मों में अगर बिल्कुल ही जो रॉ मेमोरी है ना तेरी मेहरबानी वही बोलने वाला था है ना हाँ। तो वो सब भी हैं सफर में भी हमें बहुत हमने पहाड़ों पे देखा है कि हम हाइकिंग कर रहे होंगे क्लाइंबिंग कर रहे होंगे तो वो मिल जाते हैं साथ में जाते हैं साथ में जाते हैं साथ में आते हैं अक्सर भूरे होते हैं जो गद्दी बकरवाल वो सारी नस्ल होती है और आपकी किताब की कवर पर भी आ गए और आपकी कविताओं में भी आए हैं जी ये मेरे सामने कविता खुली है कैसा कुत्ता है क्या था जहन में इसको लिखते वक्त ये मैंने उस टाइम पे लिखी थी जब मैं बता रहा था ना कि जब घूम रहा था लिफ्ट ले लेके गले वले का भी ऐसा बैंड बजी हुई थी और फैमिली लाइफ भी ऐसे ही चल रही थी तो होता है ना कि हम अपने हिसाब से जी लें चाहे जरूरी नहीं कि सक्सेस मतलब सक्सेस तो क्या ही अपने अपने मायने हैं लेकिन कल को मैं हार भी मान लूँ ठीक है मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कल को नहीं हुआ कुछ हार मान ली तो वो कोई बात नहीं तभी तो मैं इसमें कहता हूँ कि जब थक जाऊँगा तो अपने पर कटा लूँगा फिर कोई दरवाज़ा खटखटा लूँगा और पूछूँगा कोई खाली फंदा है तो मेरे अब किसी को लगेगा कि ये ऐसे क्या बोलते हैं उसको निराशा वाला गीत है लेकिन ये एक्चुअली आशा वाला गीत है कि भाई जब तक जिए एटलीस्ट तब तक तो हम अपने उस पे बने रहे जो हम सोचते हैं कि ठीक है हमारे लिए और फिर एक रोज तो सांस किसी की भी हो नहीं लौटनी है सही बात है तो ये गाना लिखते हुए ऐसे ही था कि मेरे कई कविताओं में आपको कुत्ते वर्ड दिखेगा तो जैसे एक भाई रे करके एक गाना है उसमें है कि दुनिया जिंदा रहने की लड़ाई में सब जायज है राहगीर दो चार दिन जिधर कुत्ते सोए उधर तुम सो लो भाई रे तो मैं इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो हम इतना उनको यूज़ करते हैं ना कि लाइक कुत्ता आदमी है समझ रहे हो गली का कुत्ता है तो कहीं ना कहीं कहीं मैं अपने शर्तों पे जी के गली का कुत्ता ही मैं रहूं चाहे
मैं जहाँ वो सोते हैं मैं सो लूँ चाहे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक भी मैं कुछ करना चाहूँ मैं अपनी मर्जी से करूँ, जब तक कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हाँ, तो इस तरह से मैंने ये किताब ये कविता उसी सेंस में लिखी थी। अच्छा। कि होता ना कि कुत्ते हमेशा कहा जाता है कि गाड़ियां जाती हैं तो भौंकते हैं ना कुत्ते, मतलब हम देखते ही हैं, तो मैं भी ऐसे उस स्टेटस वाइज की मैं सो लूंगा मंदिरों चौबारों पर, रह लूंगा अकेला त्योहारों पर, नहीं भौंकूंगा गुजरती कारों पर कि वो फरारी जा रही है, ये देखो वो जा रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऐश्वर्य से। वही तो उस सेंस में लिखा था कि लोग कहेंगे कैसा कुत्ता है ये, गाड़ियों सुनाएंगे कुछ कुछ पंक्तियां। गला अगर इजाजत दे रहा हो, गा तो लेते ही हैं, थोड़ा कम ज्यादा होगा तो लोग समझ जाएंगे। एक कमरा बिन खिड़कियों दरवाजों के, उसमें दीवारों पे रंग समाजों के, पंखे से लटके फंदे रिवाजों के, उसमें मेरा दम घुटता है, मैं सो लूंगा मंदिरों चौबारों पर, रह लूंगा अकेला त्योहारों पर, भौंकूंगा नहीं गुजरती कारों पर, और लोग कहेंगे ये कैसा कुत्ता है। तो ऐसे कुछ छोटी मोटी तुकबंदियां हैं हमारी, और सीखेंगे और अच्छा करेंगे। बस आप आपसे बातचीत का मेरा यही हासिल है कि जो बात आप अपनी एक कविता में भी कहते हैं कि आपने अपने ऊपर समय के सबक तो चढ़ने दिए लेकिन गुरूर नहीं चढ़ने दिया, और मैं प्रार्थना करूँगा, मेरी बहुत आस्था है। कई लोगों को लगता है कि हम नास्तिक हैं, कई लोगों को लगता है कि तरकी कुतरकी हैं, वो मैं उन पर छोड़ देता हूँ, पर मेरी इस बात में बहुत आस्था है कि कोई कोई किसी के लिए प्रार्थना करे किसी मंशा के साथ जो भली हो, तो वो जो एक किसी कवि ने लिखा है ना, कोई गाना ही है कि जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां में ना, तो कहीं ना कहीं तो वो घुलती मिलती है कि आपके ऊपर ज़माने के सब रंग चढ़ें और आप गुरूर से यूं ही मुक्त रहें, है ना। तो ये मेरा हासिल है आपसे बातचीत का कि आप जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप हमारे जैसे जो अभी शुरू कर रहे हैं ऐसे हौसला बढ़ाते रहे। अरे नहीं भाई, हम सबने अच्छा, मैंने कहा ना हर बड़ी गिनती जीरो से ही शुरू होती है ना, वो तो है, और जिनके पैर हमेशा मिट्टी में सने रहते हैं उन पेड़ों के ही साए सबसे घने रहते हैं, सबसे घने रहते हैं, वो बड़े बनते हैं और बने रहते हैं, वो बड़े बनते हैं और बने रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राहगीर। कैसा कुत्ता है राहगीर की ये किताब जिसे हिंदी युग ने छापा है। आपने कविताएं सुनी, गीत सुने, उनके इर्द गिर्द का फलसफा सुना, सबक सुने। अब आपकी बारी है अपने ढंग से, अपनी नज़र से, जिस किसी भी नक्शे को आप पढ़ पाते हो उसके तरतीबियों को लेकर इस दुनिया में दाखिल हो। दुनिया जो किताबों से बनी है, दुनिया जिसे रचने के लिए किसी ने अपने ख्यालों को, हरफों को एक स्याही में डुबोया और एक कागज़ पर उतार दिया। किताब वाला में फिर एक नई किताब, एक नए मेहमान, एक नए लेखक के साथ, कवि के साथ प्रस्तुत होंगे। देखते रहिए ललन टॉप।